नमस्कार। पश्चिम बंगाल जो एक समय में कहें कि देश के वीर क्रांतिकारियों की धरती रहा, जहां से ढेर सारे ऐसे समाज सुधारक, शिक्षाविद ऐसे लोग हुए, जहां से एक समय में देश में कारोबार कहें कि सबसे बड़े कारोबारी, सबसे ज्यादा कारोबार वो धरती, और उस भद्र लोग जिसकी बात कही जाती रही थी, बाद में जो राजनीतिक तौर पर पहले कांग्रेस वामपंथ, फिर वामपंथ तृणमूल, और अभी तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के बीच संघर्ष, तो ठीक है कि राजनीतिक संघर्ष तक होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सातवें चरण तक आते आते पश्चिम बंगाल में राजनीतिक स्थितियां जिस जगह पहुंच गई हैं वो बेहद शर्मनाक है, और लोकतंत्र को कलंकित कर देने वाली घटनाएं अगर कहीं से देखने में आई तो पश्चिम बंगाल से थी। ममता बनर्जी एकदम से उसी अंदाज में काम कर रही हैं जैसे एक समय में जो उन्हें झेलना पड़ा था, जिस तरह से वामपंथियों ने उनको सत्ता से दूर रखने के लिए जो कुछ किया, अब वही सारा काम और भी ज्यादा हिंसक तरीके से, विभत्स तरीके से, यहां तक कि लेफ्ट को भी ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी राजनीतिक हिंसा कभी भी बंगाल में देखने को नहीं मिली। सोचिए, ये बात वो लेफ्ट कह रहा है जो एक तरह से राजनीतिक हिंसा की संस्कृति अगर देश में कोई विचारधारा लेके चलती है तो वो वामपंथी पार्टियां हैं। अब छह चरण के चुनाव हुए, छह चरण में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई, कई जान चली गई, कई जगह पर भारती घोष, दिलीप घोष, बाबुल सुप्रियो, इनके काफिले पर हमला हुआ, यानी कुल मिलाकर जो स्थितियां थी वो बड़ी एक संगठित हिंसा जो तृणमूल के कार्यकर्ता वो करते हुए दिख रहे थे। हाईकोर्ट ने जिला जो पंचायत के चुनाव थे उस वक्त भी ऐसी टिप्पणी की थी, अभी चुनाव आयुक्त ने की कि जो 15 साल पहले का बिहार था वही बंगाल अभी। मुझे लगता है कि ये टिप्पणी उन्होंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव टिप्पणी की है, संभालते हुए टिप्पणी की है, जैसे हम लोग किसी की सीट का अनुमान लगाते हैं तो थोड़ा संभालते हुए लगाते हैं, जबकि बंगाल और बिहार, बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हो रही है, सीधे सीधे जान लेने की हिंसा हो रही, वो कहीं भी देश में ऐसी राजनीतिक हिंसा कभी नहीं हुई। बंगाल में अपराधी रहे, उनके बीच में गोली चलती रही, लेकिन सामान्य कैडर इस तरह से लड़ता रहा हो ऐसा कहीं नहीं दिखा। केरल में थोड़ा बहुत दिखता है जो लेफ्ट और कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी संघ के लोगों के बीच में, लेकिन अभी सातवें चरण के ठीक पहले अमित शाह को रैली की इजाजत नहीं दी गई, फिर एक रोड शो की इजाजत दी जाती है कोलकाता में, जहां से रोड शो शुरू होना है उस जगह को बदल दिया जाता है अंतिम समय में, स्थानीय प्रशासन बदलता है। ठीक है, अभी कह सकते हैं कि सब तो चुनाव आयोग कर रहा है, उसके पहले योगी आदित्यनाथ को नहीं जाने दिया, कई और लोगों को रोका गया, वो सब अपनी जगह है, लेकिन अब जो था वो हिंसा से भी आगे का मसला हो गया है। एक ऐसी साजिश जो वहां से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें तृणमूल के लोग जिस तरह की साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्योंकि प्रथम दृष्टया इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होकर अच्छे से पता ही करना चाहिए, लेकिन अमित शाह का रोड शो हो और उसमें वो खुद ऐसी घटना करा देंगे जिससे कि उनके रोड शो पर एक तरह से कहें कि बदनामी हो उनकी, ये कम से कम राजनीतिक तौर पर बहुत ठीक नहीं दिखता है। और कलकत्ता में वो तय करके और घुसेंगे किसी कॉलेज में, और उसमें कॉलेज भी किसका, ईश्वर चंद्र विद्या सागर जी के नाम का। ईश्वर चंद्र विद्या सागर इस देश में मतलब वो बंगाल के लिए महान विभूति नहीं थे, सिर्फ उन्हीं के लिए वो पूजनीय या कहें कि आदर के प्रतिमान नहीं थे, पूरे देश के लिए विद्यासागर जी का बड़ा महत्व है, और ढेर सारे उन्होंने समाज सुधार के काम किए, शिक्षा में बड़ा काम किया, और उन्हीं के नाम का एक कॉलेज है जिसके कैंपस के अंदर तोड़फोड़, आगजनी ये सब हुई है, उसके बाहर भी हुई, उसके अंदर भी हुई, और अब उसी कॉलेज में उनकी जो एक प्रतिमा थी उसको भी तोड़ दिया गया, और अब उसको लेके पहले ममता बनर्जी ने किया, फिर अभी लेफ्ट भी कर रहा है, फिर अब सभी जो वहां के साहित्यकार हैं जो एक तरह से ममता विरोधी भी माने जाते थे उन सब ने हमला बोल दिया है, और अब लेफ्ट ममता बनर्जी और वो जो वहां के वामपंथी और एक तरह से कहें जो ममता विरोधी साहित्यकार थे वो सब मिलकर अब कह रहे हैं कि भगवा संस्कृति का जो कहें कि भगवा, चूंकि एबीवीपी के कहा गया कि वो जो कार्यकर्ता थे उनको गुंडे कहा गया, संघ के लोगों पर आरोप लगाया गया, और भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप है ही है, तो सीधे लड़ाई लड़ा है। लेकिन अब इस घटनाक्रम को समझिए, और जो मैंने अखबारों में पढ़ा, जो देखा, और जो एक छात्र जो वहां का है उसने जो एक अकाउंट दिया, तो वो एक बहुत जिसको कहते हैं कि उसके बाद ये लगता है कि इसमें बड़ी साजिश है, और कोशिश वही कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लेकर बंगाली अस्मिता का एक कहें कि पूरा आवरण तैयार किया जाए और उस आवरण के पीछे लड़ाई लड़ी जाए और भारतीय जनता पार्टी को बंगाली अस्मिता, बंगाली नायक, उनके खिलाफ दिखाया जाए। वो कोशिश काफी हद तक ममता बनर्जी सफल भी हुई। अब सोचिए कि जो पूरा का पूरा
अमित शाह का रोड शो था वो चलता है और वो ईश्वर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ईश्वर चंद विद्यासागर, अच्छा चूंकि इतना बड़ा रोड शो था, इतना बढ़िया रोड शो था कि उसमें ये कोई क्यों कोशिश करेगा कि कुछ गड़बड़ हो जाए, और ईश्वर चंद विद्यासागर का कैंपस पार करता है उसी वक्त, उस पर पथराव होता है, ईंट पत्थर चलते हैं, इधर से भी लोगों की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन उसके बाद की घटना ज्यादा खतरनाक है। वो कहा जाता है कि उसमें जो बाहर गाड़ियां जलाई गई, बाइक जलाई गई, वो भी तृणमूल छात्र परिषद के लोगों ने ही जलाई, और क्योंकि उस कॉलेज पर भी छात्र संघ में तृणमूल छात्र परिषद का ही कब्जा है और एबीवीपी के ऊपर आरोप लगाया गया कि एबीवीपी के गुंडों ने ही किया। लेकिन उसको समझना चाहिए, वो गेट उस कॉलेज का बंद है, शाम के 7 बजे के बाद का ये मसला है, और उसके अंदर जहां ये मूर्ति है विद्यासागर जी की, वहां 2 गेट के अंदर है। यानी अगर आपको जाना है तो पहले एक लोहे का गेट पार करना है, फिर एक लकड़ी का गेट पार करना है। छात्र संघ तृणमूल छात्र परिषद का कब्जा है उस पर, विश्वविद्यालय पूरी तरह से कहें कि राज्य सरकार के लोग हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति रही उसमें एबीवीपी और बीजेपी के लोग उसमें घुस जाएंगे, उनको ताला चाबी कहां से मिल गई। फिर वो घुस गए तो सीधे विद्यासागर की मूर्ति तोड़ेंगे, ये ऐसा क्यों करेंगे, और जिससे कि उन्हीं को नुकसान होना है। अब ममता बनर्जी और तृणमूल आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से इतने लोग आ गए, जबकि बाहर से इतने लोग, राजनीतिक कार्यशैली जानने वाले लोग जानते हैं कि हर जगह जो भी चुनाव लड़ता है, जब अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, ढेर सारे लोग वहां भी गए थे, कन्हैया अभी बेगूसराय में लड़ रहे हैं तो ढेर सारे लोग, देश भर के लोग वहां गए थे। ऐसे ही जब बंगाल में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसके भी देश भर के लोग गए। लेकिन ये कहना कि जो रोड शो था, जो रैली थी, जो एक जबरदस्त रोड शो अमित शाह ने किया, वो बाहर के लोग जाके उतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर देंगे, मुझे लगता है ये आरोप कहीं से भी किसी भी जो राजनीति समझता है, राजनीतिक रैलियों कार्यक्रमों को देखता रहा है पत्रकार के तौर पर, उसको ये पचेगा नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब इस बंगाली अस्मिता को लेकर जिस तरह से मूवमेंट खड़ा किया गया, आज पश्चिम बंगाल के सारे अखबार रंगे हुए हैं, हाय विद्यासागर, उसमें इसी तरह से और कई जो है वो मतलब सबने अलग अलग हेडलाइन लगाई है, लेकिन उसका सबका जो मूल है, जो फोकस है, वो यही कि विद्यासागर जी पर हमला कर दिया गया। लेफ्ट ये कह रहा है कि देखिए ये तो संघ और भगवा वो लोग उनके विरोधी थे और इस तरह की चीजें उनके समाज सुधारों के विरोधी थे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार एक तरह से कहें जो हिंदू समाज की कुरीतियां हैं उनसे खुद लड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो उस छात्र ने एक बताया है कि वो वहीं का रहने वाला है, कि किस तरह से वहां इसके पीछे किस तरह की साजिश दिख रही है, और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसमें बहुत साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी और जो भी लोग रहे होंगे उनकी प्रतिक्रिया जरूर हुई होगी, लेकिन ये पूरा का पूरा बहुत साजिश, योजनाबद्ध साजिश के तौर पर इसे बंगाली अस्मिता से एक तरह कहें कि बंगाली अस्मिता पर भाजपा ने हमला किया, संघ ने हमला किया, भगवा ने हमला किया, ये दिखाने के लिए एक बहुत सोची समझी साजिश लगती है, और उसमें कोशिश की जा रही है कि इस ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी फंस जाए। हालांकि बीजेपी अब ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से इसको काउंटर किया जाए कि ममता बनर्जी किस हद तक जा सकती हैं अपनी सत्ता, अपनी लोकसभा सीटें बचाने के लिए, विद्यासागर जी की भी मूर्तियां तोड़वाने और उनको अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ें। तो अब ये दोनों पक्ष इसी पर आ गए हैं। अब चुनाव जो आखिरी चरण का है वो विद्यासागर जी के नाम पर होगा, बंगाली अस्मिता के नाम पर होगा। और एक चीज और समझिए, कोलकाता दक्षिण विधान लोकसभा, वहां से चंद्र कुमार बोस लड़ रहे हैं। चंद्र कुमार बोस वही हैं जो सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते हैं, उनके परिवार से आते हैं, और ये जो कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट है यहां से 5 बार ममता जी चुनकर संसद पहुंच चुकी हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी सीटें हैं, और इन 9 में से 5 सीटें हैं, दमदम है, डायमंड हार्बर है, बशीरहाट है, कोलकाता दक्षिण है, कोलकाता उत्तर है, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहें सीधे तृणमूल से लड़ रही है और जीतने की स्थिति में है। इसीलिए शायद इस चरण के ठीक पहले, आखिरी चरण से ठीक पहले, बंगाली अस्मिता का मुद्दा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल लेकर आई है।